हेलो दोस्तों, गायत्री की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बैंगन आलू की सब्जी। तो मैंने आलू को लंबे लंबे मतलब लंबे आकार में काट लिया है। अभी इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इन्हें कढ़ाई में डाल दिया। अभी मैं 3 बड़े साइज के बैंगन ले लूँगी, इन्हें भी काट लूँगी, लंबे साइज के लंबे आकार के काट लूँगी। और जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं उधर बैंगन कट कर लूँगी। तो दोस्तों, देसी स्टाइल में सब्जी बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो जब तक मैं इधर बैंगन भी काट रही हूँ, इधर आलू भी फ्राई कर रही हूँ, इससे क्या होता है अपना फटाफट हो जाता है। इधर मैं मतलब कभी भी सब्जी बनाऊँ तो जो मुझे पहले कट करना होता है, जो मुझे पहले फ्राई करना होता है, जो भी पहले चाहिए होता है, मैं उससे पहले कट करती हूँ। उसके बाद जो जो चाहिए होता है, मैं उसे कट करती जाती हूँ और सब्जियों को बनाती जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब इसी तरह में मेरी बहुत जल्दी सब्जी बन के रेडी हो जाती है। तो मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं दोस्तों। अब मैं इन्हें थोड़ा सा हल्का सा और करूँगी, अच्छा हल्का सा और ब्राउन करके इन्हें निकाल लूँगी दोस्तों। और ये मैं बिल्कुल सूखी सब्जी बनाऊंगी, इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करूंगी दोस्तों। आलू फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लूँगी। इन्हें निकाल के मेरे बैंगन भी कट हो गए, मैंने धो लिया। अब मैं बैंगन डाल दूँगी। तो मैं इसमें बैंगन डालूँगी दोस्तों। ये मैंने देखिए लंबे आकार में कटा है, तो मैं इन्हें भी डाल दूँगी। अब दोस्तों, जब तक हमारे बैंगन फ्राई होते, तब तक मैं लहसुन प्याज अदरक और इन सबको काटूँगी। पहले मैं थोड़ा सा बैंगन को भूनू हल्का सा। तो दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी बैंगन में, ताकि बैंगन में जो है नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे बैंगन जल्दी हो जाए। तो मैंने ये लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, मिर्ची ले लिया और 3 मीडियम साइज के प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर। अब इन्हें जो है अदरक लहसुन और मिर्ची को बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल फाइन चॉप करना है। तो दोस्तों, अब मेरे बैंगन फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लूँगी और अब सब्जी छौंकने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दिया, जीरा डाल दिया। अब मैं इसमें जो है चॉप किया हुआ अदरक लहसुन मिर्ची डाल दूँगी, इनको थोड़ा सा भूनूँगी और फिर प्याज डाल दूँगी दोस्तों। तो प्याज को भी हमें बारीक ही काटना है, आप मोटा भी काट सकते, बारीक भी काट सकते। मेरे पास चॉपर था तो मैं उसमें चला देती हूँ, बढ़िया से मतलब कट जाता है। तो मैं प्याज को भूनूंगी, मेरा प्याज भून गया। अब इसमें मसाले डालूंगी दोस्तों। मैंने गरम मसाला डाला 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और ये धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाला, लाल मिर्च पाउडर भी दोस्तों मैंने 1/2 चम्मच से कम मतलब 1 चम्मच से कम डाला है, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। अब ये नमक मतलब पानी डाल के सारे मसाले भून लूँगी। उसके बाद मैं इसी के साथ इसमें नमक भी डाल दूँगी दोस्तों। तो ये मैंने नमक भी डाला, नमक मैं कम ही डालूँगी क्योंकि मैंने बैंगन में भी नमक डाला था दोस्तों। तो मैं सारे मसालों को भूनूँगी। तो दोस्तों, मेरे मसाले भून रहे हैं। अब मैं इसमें जो है फ्राई
फ्राई की हुई सब्जियां डालूंगी। ये मेरे पास साबुत मिक्स मसाला होता है दोस्तों, मैं भून के इसको पीस के रख लेती हूँ। हाँ, अब मैं टमाटर डालूंगी और इसमें 2 से 4 हरी मिर्च को मैंने काट के ऐसे साबुत डाल दिया, टमाटर के साथ ही डाल दूंगी और मसाले को थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी दोस्तों। तो ये मेरे मसाले पक चुके हैं, तो मैं इसी के साथ जो है सब्जियां डाल दूंगी दोस्तों। मेरा मसाला पक चुका है और जितना भी मसाला भी मैं थोड़ा थोड़ा कच्चा है, तो सब्जियों में पानी तो डाला नहीं, तो मैं सब्जियों के साथ ही मेरा मसाला पकता रहेगा। तो मैंने सब्जियों को डाल दिया और इन्हें अच्छे से चला देंगे, सारे मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छे से दोस्तों। और इस तरह एक बार बना के देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है बिना पानी के, आलू बैंगन बिल्कुल सूखी सूखी। तो मेरे हो गए 5-7 मिनट, मैंने खोल के देख ली, इन्हें फिर से मैं थोड़ा सा चला दूंगी ताकि हमारे मसाले और सब्जी फ्राई हो गई, मतलब थोड़ा सा अच्छे से और पक जाए। तो मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट दोस्तों, और मेरे आलू देख सकते हैं आप पक चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा मतलब पकाऊंगी ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया दोस्तों, मैंने विदाउट पानी के ये सब्जी बनाई। तो आप देख सकते हैं मेरी सब्जी पक चुकी है। तो मैं जो है गैस को मैं बंद कर दूँगी दोस्तों। अब मैं इसी में हरी धनिया डाल दूँगी और फिर मैं हरी धनिया डाल दूँगी दोस्तों। और आपको जैसे भी पसंद है, नॉन रोटी पराठा जिसके भी साथ पसंद है खाइए। तो अभी तो ये देखिए दोस्तों मेरी सब्जी आपको कैसी लगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय दोस्तों।